दोस्तों, भारत में आज भी कई विशालकाय मंदिर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि प्राचीन भारत या आक्रमण के पूर्व का भारत कैसा रहा होगा। इन्हीं विशालकाय मंदिरों में से एक है तंजावुर या तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर भी कहते हैं। यह भारत की मंदिर शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है, इसकी विशालता देखते ही बनती है। कहते हैं कि भगवान शिव को समर्पित तंजावुर या तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर का क्षेत्रफल और परिसर इतना विशाल है कि इसमें आसानी से 200 ताजमहल समा जाएं। इस भव्य मंदिर को सन 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर स्थित तंजावुर का यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर हजार सालों से अविचल और शान से खड़ा हुआ है। कहते हैं कि राजा राज चोल प्रथम ने 1004 से 1009 ईस्वी सन के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासकों ने इस मंदिर को राज राजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बृहदेश्वर कर दिया। 13 मंजिला इस मंदिर को तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 216 फुट है। ये मंदिर लगभग 240.90 मीटर लंबा है और 122 मीटर चौड़ा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। बगैर नींव के इस तरह का निर्माण संभव कैसे है? इस मंदिर को गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह पिरामिड जैसी दिखने वाली महाकाय संरचना है, जिसमें एक तरह की लय और समरूपता है जो आपकी भावनाओं के साथ प्रतिद्वंदित होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान जब वो सो रहे थे तो उनको ये सपना आया था। यह एक के ऊपर एक लगे हुए 14 आयातों द्वारा बनाई गई है, जिन्हें बीच से खोखला रखा गया है। 14वें आयातों के ऊपर एक बड़ा और लगभग 88 टन भारी गुंबद रखा गया है, जो कि इस पूरी आकृति को बंधन शक्ति प्रदान करता है। इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभन रखा गया है। 6 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली इस मंदिर की भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस मंदिर के गुंबद को करीब 88 टन के पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मतलब इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभन रखा गया है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस तरह हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुंबद की नहीं। मंदिरों के पत्थरों, पिलरों आदि को देखने से पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी तरह से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काटकर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस विशाल मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही चूने या सीमेंट का। सबसे आश्चर्य वाली बात तो दोस्तों ये है कि विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का वह पत्थर कैसे रखा गया है, जिसे हम कैपस्टोन कहते हैं। उस दौरान में तो कोई क्रेन वगैरह भी नहीं थी। आश्चर्य यह है कि उस दौरान में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से लाए गए होंगे ये पत्थर? इस मंदिर को ध्यान से देखने पर आपको ये लगेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पे विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्यों को दर्शाती हुई अनेकों मूर्ति देखेंगी। इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोष्ठ पंजर या आले पवित्र घड़े का चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोल कालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारों की दीवारों पर एक खास तरह की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकलाओं से भिन्न है, बहुत सुंदर भी है और देखने लायक तो है ही। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पकापन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्तीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ एक विशालकाय चबूतरे के ऊपर विराजमान की प्रतिमा अद्भुत है। यहाँ स्थित की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई नदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। यह 12 फुट लंबी, 12 फुट ऊंची और 19 फुट चौड़ी है।
25 टन वजन की यह मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी। नंदी मंडप की छत शुभ्र नीले और सुनहरे पीले रंग की है। इस मंडप के सामने ही एक स्तंभ है जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प विराजमान है जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान करता है। इसके दोनों तरफ दो मोटी दीवारें हैं जिनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। बाहरी दीवारों पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिण मेरू कहा जाता है। इस मंदिर के शिलालेखों को देखना भी अद्भुत है। शिलालेखों में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न तरह की मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्म बताई गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।